नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बजट जो आया है 2019 का, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे इसमें। देखिए, बजट के रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, अगर आप चाहें तो इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की साइट है एक्चुअली साइट। और यहां पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं दोनों। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ, यही वाली जो मैं बता रहा हूँ ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये मैंने जो पीडीएफ उठाई है, इसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, एक भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे। जितनी गवर्नमेंट ने नई स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, रुपया कहाँ से आता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है, एक एक चीज, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और इवन एसएससी, जितने भी एग्जाम्स आने वाले। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्पीच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहां से बहुत सारे पॉइंट हमको मिलेंगे यूपी पीसीएस मेंस के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसमें मैंने कई जगह कई सारे नोट्स भी बनाए, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, जैसे गवर्नमेंट ने 10 पॉइंट की जो एक बात कही है उसके लिए ट्रिक भी बनाई, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्ड। इसके बाद आपको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कहीं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सब मैं बता रहा हूं। वैसे काफी सारी चीजें बोल बचन वाली हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो सब, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले तो न्यू इंडिया की हमेशा गवर्नमेंट बात करती है 2022 तक, ठीक है। 2022 को न्यू इंडिया क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 75वीं जो हमारी वर्षगांठ होगी इंडिपेंडेंस की, इसलिए। उसमें बोला है गवर्नमेंट ने कि टेररिज्म फ्री, कम्युनलिज्म फ्री, कास्टिज्म फ्री, करप्शन फ्री, नेपोटिज्म फ्री, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो इंडिया को अभी भी घेरे हुए हैं। फिर देखिए, इसमें बोला गया है कि हम जो है इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, और अगर आप एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ निकालें पिछले 5 सालों का, ठीक है, तो ये हायर है जो कि किसी भी गवर्नमेंट के आने के बाद है, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद। और 2013-14 में हमारी जो इकोनॉमी थी 11th largest थी, ठीक है, अब हम कितने नंबर पे हो गए, 6th largest। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे देखिए कुछ फिगर भी लिए हुए हैं मैंने पीडीएफ, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी बजट में पढ़ना सब मैंने एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। प्लस यहाँ पे पीआईबी में भी कई सारे जो चीज़ें आई हैं उसमें भी मैंने ये पूरा समरी दे दूंगा आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, फैक्ट हैं, सारा कुछ इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सारा मैंने समरी बना ली यहाँ पे, बस आप सुन लीजिए एक बार, ठीक। अब इसमें देखिए, तो पहली बात ये कि हम इस समय 11वें नंबर से आ गए हैं 6th largest पे, ठीक है। दूसरी बात है इन्फ्लेशन, अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन क्या है, हिडन और अनफेयर टैक्स है पुअर के पे, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा चीजों की महंगाई होगी, उतना ज्यादा लोगों की जेब से रुपया ढीला होगा, और जो गरीब है उनका और ज्यादा गरीबी होगा, ये सब चीजें हैं। एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2009 से लेकर 14 तक कितना था, 10% से ऊपर था, मतलब डबल डिजिट पे था ये, और इसको 4.6% पे लाया गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है आपको। और उसके अलावा दिसंबर 2018 में सिर्फ 2.19% रिकॉर्ड किया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट, हालांकि गवर्नमेंट ने 7 साल पहले का बोला है, इस बार फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं पूरा कर पाए हम लोग, लेकिन इस बार ये कितना है, 3.4% है, ये डेफिसिट जितना भी है चैप्टर हम एक साथ देख लेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, ये आपका 2.5% रहने की उम्मीद है इस बार, ठीक है। तो करंट अकाउंट सीएडी कितना है, 2.5%, और फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3.4%, ठीक है। ये तो जीएसटी जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि 32% से बढ़ा के आप 42% कर दो, स्टेट्स को दे दो ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की यहां पे बात की गई है। एफडीआई अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों में कितना आया है, ये आया है $239 बिलियन, ठीक है। जितनी चीजें मैंने यहां पे हाईलाइट करके रखी हुई है बस इतनी ही नोट करिएगा, बस इसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है। $239 बिलियन आया है, ये वाली चीज हिंदी में भी आपको मिल सकती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मान लीजिए, देखिए ये वाले कई सारे पॉइंट ना आप मेंस में प्लस एसे राइटिंग में भी यूज कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस मेंस में और यूपीएससी मेंस में, और प्लस जो बीपीएससी आने वाला है, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करी जाए तो सबसे बड़ा तो रिफॉर्म है इंडिया का जीएसटी, और प्लस बहुत सारे टैक्सेशन रिफॉर्म किए गए हैं यहां पे। फिर बैंकिंग रिफॉर्म की बात करी गई है कि 2008 से लेकर 2014 तक बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया गया, बहुत ज्यादा लोन दिया गया, उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग लोन पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनका कितना हो गया, 18 लाख करोड़ से हो गया 52 लाख करोड़, 3 गुना हो गया ये। और इसीलिए ये जो एनपीए वाली समस्या आ गई वो करीबन कितनी हो गई थी 2014 में,
5.4 लाख करोड़ 5.4 लाख करोड़ की आ गई थी। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि बैंकिंग रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो क्या क्या बैंकिंग रिफॉर्म है यहाँ। अब देखिए इसमें कीवर्ड मैंने नोट कर रखे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं फिर मैंने एक साथ नोट बनाया वो दिखा दूंगा। 4R अप्रोच जरूर आप याद रखिएगा। 4R अप्रोच में क्या है, रिकॉग्निशन की पहले आप रिकॉग्नाइज करो, फिर रिजोल्व करो रिजोल्यूशन, फिर उसको रिकैपिटलाइज करो और फिर उसमें रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करो। सब ये किस लिए लिए गए हैं, क्लीन बैंकिंग को इंश्योर करने के लिए, प्लस जो इंसॉल्वेंसी ऑन बैंकरप्सी कोड है ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, मतलब ये एज ए इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो छोटे बिजनेसमैन थे वो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था, लेकिन अभी क्या है जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी जो अगर लोन लेते हैं तो उन पे पूरा प्रेशर बनाया जाता है और इसीलिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रिकवर कर लिया गया। हालांकि अगर आप देखें तो नीरव मोदी जैसे कुछ महान लोग थे वो फिर भी पैसे लेके भागे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए ये हो गए मेंस के पॉइंट, ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए बैंकिंग रिफॉर्म्स पूछा जाए तो ब्रॉड हेडिंग क्या क्या हो सकती है कि क्या क्या कर सकते हैं आप, एमलगमेशन ऑफ बैंक, ठीक है, कई सारी छोटी छोटी बैंक को मिला के एक बड़ी कैपिटल एसेट की बैंक बना दो, रिकैपिटलाइज कर दो, प्लस आपने जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किया ये, और प्लस 4R अप्रोच, 4R अप्रोच जरूर लिखिएगा, ये जो होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम में मदद करेंगे, रिकॉग्निशन रिजोल्यूशन रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स। ठीक है, तो 4R आप ऐसे करके फ्लो चार्ट वहां दिखा सकते हैं कि रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म हो गया आपका, रिजोल्यूशन, ये हो गई 4R अप्रोच किस लिए, बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। करप्शन के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, करप्शन को कम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कम ही करेंगे। ये देखिए रियल इस्टेट जो आपका बिल आया था 2016 में, रेरा बिल, बेनामी ट्रांजेक्शन वाला बिल जो 1988 वाला है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 वाला है। फ्यूजिटिव का मतलब यही है कि कोई अगर भाग गया तो उसकी फिर प्रॉपर्टी जो है वो पूरी की पूरी स्टेट जब्त कर लेगा, ये सब चीज़ों, प्लस उसको ऑक्शन कर देगा, ठीक है, प्लस जो है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग कोल और स्पेक्ट्रम उनकी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होगा ये। ठीक, फिर देखिए बहुत सारी हेडिंग दी गई, क्लीनलीनेस में क्या होगा, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जब मनाएंगे गांधी जी की 2019 में, तब तक उसी के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन, ये जो अभियान है आपका ये स्टार्ट किया गया था। और ये है देखो प्रीलिम्स वाला पॉइंट कि इंडिया ने कितना रूरल सैनिटेशन कवरेज कर लिया है। देखिए एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एज पर बजट 2019, एज पर इंटरिम बजट 2019 इंडिया का रूरल सैनिटेशन कवरेज कितना है, तो कितना है, 98% है, याद रखिएगा। और इंडिया में करीबन 6.5 लाख गाँव हैं, 6 लाख के आसपास जो गाँव हैं उनमें से 5.5 लाख को जो है आपको करीबन 5.45 लाख विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद पुअर और बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो ये देखिए एक हमारे पहले नेता थे उन्होंने बोला था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है रिसोर्सेज पे कंट्री के, लेकिन यहां पे बोला गया है कि जो गरीब लोग हैं उनका पहला हक है जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है गरीबों को 10% का जो इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है वो कहाँ कहाँ दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया गया है, गवर्नमेंट सर्विसेज में दिया गया है, और इसके लिए 25% जो है एक्स्ट्रा सीटें भी यहाँ पे बनाई जाएंगी, नई सीटें इंट्रोड्यूस की जाएंगी 2 लाख के करीबन। ठीक है, कि ताकि जो प्रेजेंट रिजर्वेशन वाला सिस्टम चल रहा है वो ना बिगड़े और जो नए लोगों को रिजर्वेशन मिलना है इकोनॉमिक बेसिस पे वो भी मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा फूड ग्रेन्स के लिए अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए करीबन 1,70,000 करोड़ रुपया स्पेंड किया गया था 2018-19 में, ये इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट बताया है। और बोला है कि मगनरेगा जो है उसमें 60,000 करोड़ रुपए इस बार जो है 2019-20 में हम देंगे। उसके अलावा अर्बन रूरल डिवाइड को खत्म करने के लिए, जैसे देखिए स्मार्ट सिटी की बात होती है वैसे ही स्मार्ट विलेजेस की भी बात हो रही है कि आप विलेजेस को भी स्मार्ट बनाइए, अर्बन फैसिलिटीज दीजिए, लेकिन जो वहां का सोल है जो आत्मा है गांव की वो नहीं मरनी चाहिए। उसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है अगर आप इसमें देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन जो है रूरल रोड का वो ट्रिपल हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, कितना हो गया है, ये 3 गुना हो गया है। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया है, जो पहले रेट चल रहा था उसका 3 गुना हो गया है। और अगर आप देखेंगे करीबन 15.8 लाख हैबिटेशन को
पूरा का पूरा पक्का रोड वहां पे बना दी गई है, कुछ अभी बची हुई है, सिर्फ 2 लाख अभी हैबिटेशन बची हुई है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस बार कितना एलोकेट किया गया है, 19,000 करोड़ रुपया। कितना एलोकेट किया गया, 19,000 करोड़। ये वाला जो पॉइंट है ये आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा बताया गया है कि करीबन 1.5 करोड़ घर, 1.53 जो करोड़ घर हैं, ये बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में, ठीक है। 2014 से 18 के बीच में पिछले 4 सालों में 1.5 करोड़ घर बनाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बताया गया है कि देखिए बिजली कई जगह तक नहीं थी, कई सारे गांव में, तो अब मतलब 2014 तक 2.5 करोड़ फैमिली जो थी वो बिजली से वंचित थी। और सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना में बिजली फ्री नहीं दी जाती, यहाँ कनेक्शन फ्री दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बिजली का कनेक्शन यहाँ पे फ्री दिया जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो जो यहाँ पे मतलब एकदम, इसीलिए मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा ये है कि बोल रहे हैं कि अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो गवर्नमेंट बजट के हिसाब से कब तक पूरा भारत जो है, पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरे बांट दिए जाएंगे, तो वो कब है डेट, मार्च 2019, याद रखिएगा। टारगेट डेट क्या है, मार्च 2019। 143 करोड़ एलईडी बल्ब भी बांटे गए हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन किया गया है, इसी की वजह से 50,000 करोड़ रुपए की जो बिजली है वो बच रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बच रहा है ये। उसके अलावा देखिए आयुष्मान भारत को तो आप रट ही लीजिएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, फिर बजट में बोला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम है ये, 50 करोड़ लोगों को फायदा करेगा, 10 लाख पेशेंट अभी तक हो भी चुके हैं ऑलरेडी, उनको फायदा हो चुका है, 3,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर भी दिया है, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल प्राइस में किया जाएगा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा। फिर देखिए इस समय 21 है एम, अब देखिए ये आ सकता है वनडे एग्जाम्स में, ठीक है। 14 ये किए गए थे, 14 जो है इनमें से 2014 के बाद 14 एम्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, अब 22वां एम कहाँ पे आएगा, हरियाणा में, ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है। अभी मैं इसके लिए क्वेश्चन भी दूंगा, कुछ यूट्यूबर्स अभी इसको सुनेंगे जरूर और इसमें से एक पॉइंट निकाल के अपना वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है इसमें नीति आयोग का जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो जो है 115 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इन कंट्री के, लेकिन वो मोस्ट एस्पिरेशनल हैं वो, और उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। सबसे पहला तो ये किया गया है जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इतना तो मिलना ही चाहिए एक किसान को, उसको 22 क्रॉप के लिए करीबन 50% उनकी कॉस्ट से ज़्यादा कर दिया गया है, मतलब अगर 1 रुपया लगा है तो 1.5 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मतलब है। उसके अलावा देखिए, अब देखिए ये हैं समस्याएं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम है, तो ये देखिए इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, मैंने काफ़ी सारा, मैं इसीलिए काफ़ी देर से पढ़ा था, इसीलिए लेट लाया हूं मैं वीडियो, समस्याएं क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, मैंने इसमें नोट भी कर रखा है, इसमें आप देख सकते हैं ये। तो ये है पहली समस्या क्या है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी की है प्राइजेस डिक्लाइन हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और फूड इन्फ्लेशन में भी ये गिरावट आ रही है। दूसरा जो सबसे और हमेशा जो रहने वाली समस्या है स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक बड़ा खेत था, एक जो बाप थे उनके फादर थे, उनके 2 बच्चे हुए तो 2 में बट गया, फिर उनके 2 बच्चे हुए फिर 2 में बट गया, उनके 2 बच्चे, तो लैंड जो है वो छोटा होता जा रहा है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, तो जो एफर्ट है इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वाली समस्या है इंडिया में, बहुत जरूरी है ये, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कुछ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। अब इसके लिए क्या किया गया है कि प्रधान ये PM किसान योजना चालू करी गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, कि एक एश्योर्ड इनकम मिलेगी, किसको मिलेगी ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मिलेगी सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है, सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होता है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वालों को स्मॉल फार्मर बोला जाता है, 2 से 4 वालों को सेमी मीडियम, 4 से 10 वालों को मीडियम, और 10 से ज्यादा जिनके पास होती है जमीन वो लार्ज फार्मर्स को बोला जाता है उनको। तो ये जो है स्कीम आपकी PM किसान, ठीक है, ये जरूर आएगी अब आने वाले एग्जाम में, रट लो इसको। इसमें पहली बात तो क्या है, इसमें फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर्स को, ठीक है। 6,000 रुपये मिलेंगे इसमें, 3 बार में मिलेंगे,
ठीक है, साल में 3 बार में 2-2 हजार रुपया दिया जाएगा, और ये इफेक्टिव कब है, 1 दिसंबर 2018। पीसीएस और वनडे एग्जाम्स वाले डेट रट लेना, 1 दिसंबर 2018 से इफेक्टिव है ये। 31 मार्च 2019 तक पहला इंस्टॉलमेंट कर दिया जाएगा। एनुअल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 75,000 करोड़ रुपया आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही बस इतनी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पीएम किसान की। और इसमें यह भी है कि अब पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में भी इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपका प्रोविजन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्रॉप लोन बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 11.68 लाख करोड़ रुपया बांटा गया है क्रॉप लोन। ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जेन्यून एफर्ट लगाए गए हैं ताकि जो है जितनी भी जो किसानों की समस्या है उनको दूर किया जा सके। सॉइल हेल्थ कार्ड को बहुत सारे बना दिए गए हैं ताकि सॉइल की हेल्थ आप देख सको, कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना है, कौन सा करना है, ये सब चीज़ें समझने के लिए, कौन कौन से बीज आप यूज़ करें, क्वालिटी सीड और प्लस इरीगेशन स्कीम प्लस नीम कोटेड यूरिया, ठीक है, यूरिया का मिस यूज़ करने के लिए और प्लस इफेक्टिविटी, ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए ये सब है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे देखिए जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज सेक्टर है उसको भी बहुत बड़ा सपोर्ट दिया गया है। पहली बात तो क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है, प्लस राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ठीक है, इसको सेटअप किया जाएगा ताकि जो गाय से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं प्लस उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है मिल्क की, और प्लस जो मतलब गाय गैया जी का जो है उनका आपका लॉ और वेलफेयर स्कीम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए दो चीज़ें हुई हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 750 करोड़ रुपया का, और दूसरा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन है। ठीक है, मछली प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे है, ये यहां पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट की फैक्ट के साथ। ठीक है, ग्लोबली जितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में कितना होता है, 6.3%, 6.3%। ठीक है, और इसमें रोजगार कितने लोगों को मिलता है, करीबन 1.5 करोड़ लोगों को, 1.45 करोड़ लोगों को मिलता है प्राइमरी लेवल पे। अब देखिए ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि एक डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज नया खोला जाएगा, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज नया खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा देखिए केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी अब वो एक्सटेंड कहाँ कर दी गई है, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी। ठीक है, अब क्या है कि जो ये 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, अगर मतलब जैसे अभी तक सिर्फ ये एग्रीकल्चर के लिए था ये, अब ये एनिमल हस्बेंड्री में भी अगर आप लोन लोगे किसान क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2% का जो है इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, और अगर आपने टाइमली पेमेंट कर दिया तो 3% का और माफ कर देंगे। ठीक है, तो 5% का यहाँ पे हो जाएगा। उसके अलावा सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर्म है ताकि आप लोग लोन ले सको जो भी ये वाले सेक्टर के हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई डिजास्टर आ गया, कोई कैलेमिटी आ गई, तो अभी तक क्या होता था कि जो इंटरेस्ट आपका माफ़ किया जाता था सिर्फ 2% एक बार के लिए, पहली बार के लिए माफ़ किया जाता था, अब ये इंटायर पीरियड के लिए माफ़ कर दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा 2% का वो इंटायर पीरियड के लिए होगा, और प्लस अगर आप हर बार जो इंटरेस्ट देते गए तो 3% का और मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेबर वेलफेयर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताया गया कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि लोग अपने आप को EPFO में रजिस्टर कर रहे हैं, 2 करोड़ लोगों ने 2 साल में अपने आप को रजिस्टर किया है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा 7th पे कमीशन को भी रिकमेंडेशन को बहुत तुरंत ये यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि NPS स्कीम में अभी तक क्या होता था कि मान लीजिए जितना कंट्रीब्यूशन जो आप PF देते थे उतना ही गवर्नमेंट करती थी, लेकिन ये इस बार बढ़ गया है, अब गवर्नमेंट 4% ज़्यादा करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 10% आपने किया है, गवर्नमेंट करेगी इसको 14%, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। मिनिमम जो सीलिंग है बोनस की वो 3.5 से 7.5 हज़ार कर दी गई है, और प्लस आपका जो पे है इसकी 10 से 21 हज़ार तक कर दी गई है। ठीक है, बोनस मिलेगा 21 हज़ार तक में। उसके अलावा ग्रेचुटी की जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो कर दी गई 10 लाख से अब 20 लाख कर दी गई, 20 लाख तक नहीं टैक्स लगेगा। उसके अलावा आपका जो है ये ESI की एलिजिबिलिटी कवर कर दिया गया है 21 हज़ार तक का, ये मैंने बताया आपको भी। मिनिमम पेंशन जो है लेबरर की 1,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो EPFO का जो सपोर्ट होता था 2.5 लाख तक होता था, अब वो 6 लाख तक कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है।
फिर देखिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इनफैक्ट बताया गया है कि इंडिया में करीबन 42 करोड़ जो हैं लेबर हैं वो अनऑर्गेनाइज यानी कि असंगठित क्षेत्र में है, ठीक है। इनमें से 10 करोड़ लोगों के फायदे के लिए एक स्कीम बनाई गई है, और ये किस चीज़ के अनऑर्गेनाइज का मतलब वही हुआ, ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला, बीड़ी वाला, ये सब जितना भी लोग है उसके लिए आपके एक स्कीम आई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, अगर आप 29 साल में इसको ज्वाइन करेंगे तो 100 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ, 18 साल में ज्वाइन करेंगे तो 55 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, कम से कम आपको 3,000 रुपये मिलेगी जब आप 60 साल के हो जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 15,000 तक। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अभी तक कुछ नहीं था ऐसा, कम से कम कुछ तो पेंशन मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कितने लोग को फायदा करेगी, 10 करोड़ लेबर को फायदा करेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और 500 करोड़ रुपये इस साल यहाँ पे आवंटित किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये चीज है कि जितनी भी डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक जो कम्युनिटीज हैं उनको एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, और इसके लिए एक कम्युनिटी सॉरी एक कमिटी बनाई जाएगी नीति आयोग के अंडर में, ताकि जो बचे खुचे हैं जिनको अभी तक नहीं पहचाना जा चुका है कम्युनिटीज़ को, उनको आइडेंटिफाई करें और उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनका वेलफेयर किया जाए। इसके लिए एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बोर्ड है क्या करेगा, इन लोगों को पहले रिकॉग्नाइज करेगा फिर इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, रैंके कमीशन और इडाटे कमीशन, अगर ये पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो ये इन्हीं कम्युनिटीज को नोटिफाई और लिस्टिंग करने से एसोसिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी सारी बात कही गई है यहां पे, ये कहा गया है देखिए उज्ज्वला योजना जो चालू की गई थी आपकी, उसमें 8 करोड़ ये एलपीजी फ्री कनेक्शन बांटने का था ये टारगेट, लेकिन 6 करोड़ बांट दिए गए अब तक। उसके अलावा जो मुद्रा योजना है उसमें 70% से जो ज़्यादा बेनिफिशरी हैं वो महिलाएं हैं। मैटर्निटी लीव जो 26 वीक की दी गई है वो दिया गया है, प्लस एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक चालू करी गई है, किसके लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। उसके अलावा यूथ के लिए भी बात की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को अभी तक ट्रेंड करा जा चुका है, इंपॉर्टेंट बात है। कई सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जैसे मुद्रा है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब के जरिए जो लोग अभी तक जॉब सीकर थे अब वो जॉब गिवर हो गए हैं, वो जॉब दे रहे हैं, जो जॉब चाह रहे थे वो अब जॉब दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया जो है वो इस समय वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब बन गया है, ठीक है। एक नेशनल प्रोग्राम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये चालू किया जाएगा और इस्टेब्लिश किया जाएगा एक नेशनल सेंटर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा अगर आप देखेंगे एमएसएमई और ट्रेडर्स को एम्पावरमेंट करने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक स्कीम करी गई है यहाँ पे जिसमें कि 1 करोड़ तक का लोन 1 घंटे में, मतलब 59 मिनट में यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जो है आपका जो एसएमई से गवर्नमेंट इंटरप्राइज ये रिक्वायरमेंट करती थी वो 25% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। उसमें भी जो है 3% उन लोगों से किया जाएगा सोर्स जो वुमेन ओन्ड हैं, जो जिनको महिलाओं ने ओन किया है, स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो क्रिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले, उसमें वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है, इंक्लूसिव बन गया है, एफिशिएंट बन गया है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 17,500 करोड़ से ज़्यादा, और उसके वजह से सेविंग हुई है 25 से करीबन 28% तक। डोमेस्टिक ट्रेड और सर्विसेज को भी यहाँ पे प्रमोट करने की बात कही गई है। एक चीज़ यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, DIPP का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक शहरों और इन सब के नाम से अब फाइनली यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी नाम चेंज किया गया है, और इसका क्या नाम रखा गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड और सर्विसेज को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, ये सपोर्ट कैसे करेंगे ये आप बताइएगा कमेंट करके, हर चीज़ कमेंट करना मुझे ज़रूरी नहीं है। डिफेंस का जो बजट है और प्लस नेशनल सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई कि 1 रैंक 1 पेंशन में इन्होंने, मतलब अब वही है, एक सरकार दूसरी सरकार की बुराई तो करती है। हालांकि ये बताया कि 500 करोड़ रुपए दिए थे सिर्फ 2014-15 में, और 4 सालों में अगर आप देखें तो 35,000 करोड़ रुपये दे दिए गए, प्लस जो मिलिट्री सर्विस पे है, ठीक है, इसमें भी हाइक किया गया है। ये उन लोगों को मिलता है जो हाई रिस्क ड्यूटीज करते हैं, जो बहुत डेंजर जोन में रहते हैं, उनके लिए डिफेंस बजट जो है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पहली बार क्रॉस करेगा 2019-20 में, ठीक है।
पूरी दुनिया में जितने भी जो इंडियंस रहते हैं, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं जिनको, उनके लिए भी कनेक्ट विद इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं। आप देखते हैं हर बार, जैसे उनके लिए जनवरी में एक पूरा ये प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता है किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन, और उसके लिए फिर बात करी गई इंफ्रास्ट्रक्चर में, वही सब की पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, रेलवे डेवलप कर रहे हैं, एयरपोर्ट डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उड़ान स्कीम जो थी उसमें यही एक था कि जो उड़े देश का आम नागरिक, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो हवाई यात्राएं सस्ती करी जाए। और अभी इस समय जो है ऑपरेशनल एयरपोर्ट, मतलब जो जिन काम जो लोग काम कर रहे हैं जो एयरपोर्ट, वो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये किसके साथ हुए थे, पैंगोंग करके एक एयरपोर्ट था सिक्किम में जो खोला गया था। ठीक है, डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक डबल हो गया है पिछले 5 सालों में। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर हो गया है, 27 किलोमीटर का हाईवे डेली बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे फैक्ट है, ये आप ये सब जो है ना एसे और मेंस में लिखिएगा जरूर, और ये सब फैक्ट्स के लिए भी पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, अगर आप बात करें तो बताया है कि ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो है दिल्ली के अराउंड प्रोजेक्ट था, बोगीबिल जो रेल का रोड ब्रिज था ये असम और अरुणाचल, वो भी पूरा कर दिया गया है। पहली बार कंटेनर फ्राइट मूवमेंट चालू कर दिया गया है कोलकाता से वाराणसी में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और इसको धीरे धीरे और बढ़ाया जाएगा। इंडियन रेलवे के लिए ये अभी तक का सेफेस्ट ईयर रहा है पिछली बार का। ठीक है, और दूसरी बात है अनमैन लेवल जो क्रॉसिंग थी ब्रॉड गेज वाले नेटवर्क से, वो हटा दी गई है। मतलब अब जो है वहाँ पे हमें जो है ये अनमैन जो लेवल क्रॉसिंग है इनको हटा दिया गया है पूरी तरह से ब्रॉड गेज में। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस यानी कि ट्रेन 18 को यहाँ पे इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही सब कुछ डेवलप किया गया है, और ये पूरा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देगा। कैपिटल जो सपोर्ट है रेलवे का, वो 2019-20 में कितना रहेगा, आपका कैपिटल एसेट क्रिएट करेगा। कैपिटल मतलब कि कुछ ऐसे एसेट जिनसे कि आपका इकोनॉमी में सही बात फायदा होगा। कैपिटल जो होती है, जैसे कंपनी की कैपिटल होती है उस हिसाब से, ठीक है, जो सही, जो मतलब जैसे कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है, कैपिटल गुड वो मशीनें हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो वैसे ही रेलवे में कैपिटल सपोर्ट कितना दिया जाएगा, 64,587 करोड़, और जो टोटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम है 1.5 लाख से ज़्यादा। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो की बात करी गई कि इसको इम्प्रूव किया जाएगा 98% से आपका 95% तक। ऑपरेटिंग सिस्टम होता, ऑपरेटिंग रेशियो होता क्या है, मतलब इसका ये है कि आपका मान लीजिए 1 रुपया कमाना है तो आपने कितने पैसे खर्चा किए उसके 1 रुपये कमाने के लिए, 100 पैसा कमाने के लिए जितने पैसे आपने खर्च किए वो होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो अगर वो जितना कम से कम होगा उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। 100 पैसा के लिए अगर आप मान लीजिए 10 पैसे सिर्फ खर्चा कर रहे हैं तो आपकी 90 रुपये की, 90 पैसे की यहाँ सेविंग हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि कम करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और जो रेलवे की हेल्थ है फाइनेंशियल, वो ऑपरेटिंग रेशियो से ही मापी जाती है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत काम हुआ है, वो बात तो बिल्कुल सही भी है। सोलर एनर्जी का अगर आपके इंस्टॉल कैपेसिटी देख लेंगे, लगभग यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो गई, करीबन 10 गुना हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और उसके अलावा इम्पोर्ट डिपेंडेंस के लिए भी कई सारे ये स्टेप लिए जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्लस आपके जो है रिवेन्यू शेयरिंग को ये मॉडल को चेंज करके एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम बना दिया गया है, प्लस बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं ये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बजट एलोकेशन कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 21% बढ़ाया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। कितना, 21% बढ़ाया गया है, 58,000 करोड़ कर दिया गया है, 58,166 करोड़। एयर अरुणाचल प्रदेश जो है वो एयर मैप पे पहली बार आ गया है, मतलब कि यहाँ पे भी अब फ्लाइट आने लगी है। और रिसेंटली मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इंडिया के रेल मैप पे आ गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। डिजिटल इंडिया के लिए बताया गया है कि 50 गुना बढ़ गया है पिछले साल, पिछले 5 सालों में मंथली कंजम्पशन जो है मोबाइल डेटा का। और इंडिया में जो है डेटा और वॉइस कॉल लगभग ये पूरी दुनिया में सबसे कम है। ठीक है, उसके अलावा मेक इन इंडिया प्रमोट हो रहा है, मोबाइल और पार्ट जो ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं ये 2 से अब हो गई हैं 268, इसकी वजह से कई सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं वो भी खुले हैं और उसकी वजह से 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या टारगेट किया है, 1 लाख डिजिटल विलेज बनाएंगे अगले 5 सालों में, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो जनधन आधार और मोबाइल का जो कनेक्शन था प्लस डायरेक्ट डीबीटी वाला जो था, उसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पे फायदा हुआ इकोनॉमी में। और देखिए,
देखिए बैंक का जो नेशनलाइजेशन था 50 साल पहले हुआ था, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है, आपके पास बैंकिंग की भी सुविधा हो, आपके पास इंश्योरेंस की भी सुविधा हो, आपके पास क्रेडिट भी सुविधा हो, लोन भी ले सकें आप, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 34 करोड़ जो है जनधन अकाउंट खोले गए हैं, और आधार को यूनिवर्सली इंप्लीमेंट कर दिया गया, मतलब पूरे इंडिया में आधार हो चुका है अब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिडिल मैन जो है वो बिचौलियों को यहां पे हटा दिया गया, क्योंकि गरीबों को डायरेक्ट उनके बैंक में सब्सिडी मिल जाती है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया है, अभी तक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता था किनको, फॉरेनर्स को, शॉर्ट फिल्म के लिए, लेकिन अब ये वाली बड़ी समस्या थी, ये मैं भी नहीं समझ पाया कि ये इंडियन फिल्म मेकर्स को अब दिया गया, ये तो बल्कि बहुत पहले करा जाना चाहिए। रेगुलेटरी प्रोविजन को ये जो है ये सेल्फ डिक्लेयर आप अगर आप कर देंगे तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ईज हो गई है, बहुत ईजी हो जाएगी प्रोसेस। एंटी कैम कॉर्डिंग प्रोविजन करेंगे ताकि जो है आपका पायरेसी रोकी जा सके, मूवी रिलीज होती है तुरंत दूसरे दिन टेलीग्राम हर जगह आ जाती, सब लोग देख लेते हैं, ये बंद हो ही जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिंप्लीफिकेशन किया है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम का, और इसकी वजह से बहुत सारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा। टैक्स कलेक्शन अगर आप देखें, ये रट लेना, ये 2013-14 में कितना था, 6.38 लाख करोड़, और ये अब हो गया कितना, 12 लाख करोड़ हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा है। टैक्स बेस भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, 3.79 करोड़ से बढ़ के हो गया है 6.85 करोड़, डबल हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये है, और उसके लिए थैंक भी बोला है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनकम टैक्स जो है वो ऑनलाइन ऑपरेट करता है, और लास्ट बार बता रहे हैं कि 99.54% जो इनकम ITR फाइल किए गए उनको बाकायदा प्रोसेस कर दिया गया, स्क्रूटनी सिर्फ 0.46% की हुई है। इसको भी कह रहे हैं अगले 2 सालों में ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। स्क्रूटनी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होगी टैक्स एक्सपर्ट के द्वारा। उसके बाद फिर यही सब बातें बताई गई हैं कि ओवरऑल जो है वो कॉम्प्लायंस प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। और जो टैक्स रेट है कंपनी का, अभी तक 250 करोड़ जो लोग कमाती थी, जिनका टर्नओवर था, मतलब सॉरी टर्नओवर जिनका था, उनको 25% देना पड़ रहा था, और ये करीबन 99% जो कंपनी है इंडिया में उसको ये कवर करता है। GST के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं। अब देखिए ये है कि GST से क्या क्या हुआ है, रिजल्ट ऑफ GST क्या क्या है, इसमें देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट निकल गया है कि 17 टैक्स पहले लग रहे थे, 17 से कर दिया गया GST। तो ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, 17 टैक्स जो डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में 17 थे, अब 17 से 1 कर दिया गया, और उसकी वजह से टैक्स बेस भी इंक्रीज हुआ है, कलेक्शन भी बढ़ा है, ईज ऑफ ट्रेड भी बढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्लस बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस इफिशियंट हुई है, नो एंट्री टैक्स और ये सब चीज़ें बताई गई यहाँ पे। एक बात और बताई गई, GST काउंसिल की बैठक होती रहती है और बार बार जो है वो GST को और ज़्यादा इजी करते जा रहे हैं, बहुत सारे जो डेली यूज़ के आइटम हैं उनको 0 से 5% की स्लैब मिला दिया गया है, ठीक है। और सिनेमा के लिए पहले 50% ज़्यादा टैक्स लगता था, 12% लग रहा है, ये सब चीज़ें हैं। GST का एम जो है आपका ये स्मॉल ट्रेडर्स को और मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे आपको फ़ायदा देना है। आप देखिए GST का क्या है, अब ये जो एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख से बढ़ा के 40 लाख तक कर दी गई है, मतलब 40 लाख तक GST नहीं देना है, ठीक है। और उसके अलावा एक कंपोजिशन जो स्कीम थी वो 1% फ्लैट रेट में चल रही थी, और उसके लिए सिर्फ एक बार एनुअल रिटर्न देना था। अब ये देखिए सर्विसेज के लिए भी यहाँ पे क्या है कि जो है आपको कंपोजिशन स्कीम अभी तक किसके लिए थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अब लेकिन ये सर्विसेज के लिए भी हो जाएगी जो 50 लाख तक का टर्नओवर है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना है, 1.5 करोड़ तक का, और सर्विसेज के लिए कितना हो जाएगा, 50 लाख तक में वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि वहां पे उनको 18% GST नहीं देना है, सिर्फ 6% देना है अगर किसी का 50 लाख तक का यहाँ पे जो सर्विसेज वाला है रेंज में आते हैं वो, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो 35 लाख जो है वो ट्रेडर मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इससे बेनिफिट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप और आगे चले हैं तो मतलब करीबन 35 लाख लोग यहाँ पे बेनिफिट हो जाएंगे GST जो लोग देते हैं। और उसके बाद ये बोला है कि GST कलेक्शन फिर भी बढ़ रहा है इतना हम लोग जबकि रिबेट दे रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे बोला गया है कि कस्टम ड्यूटी को जो है एबॉलिश कर दिया गया है 36 कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स इसलिए क्योंकि कैपिटल जो गुड्स हैं वो बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की, जब कैपिटल गुड्स जैसे मशीनें और ये सब जितनी ज़्यादा ज़्यादा आएंगी उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है ताकि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े और प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, ये सब चीज़ें, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे यहाँ पे
36 जो हैं उन पे ड्यूटी को अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिससे कि हम लोग नई से नई टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर सकें और जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके। डीमोनेटाइजेशन के लिए और प्लस जो ब्लैक मनी के खिलाफ काफ़ी सारे कदम लिए हैं उसके लिए एक फ्यूजिटिव क्रिमिनल ऑफेंडर्स एक्ट है, प्लस आप उसके ये जो डीमोनेटाइजेशन लाया गया तो उसकी वजह से करीबन 1,30,000 जो करोड़ रुपया था अभी तक अनडिस्क्लोज था, अब उस पर टैक्स दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उनको सीज कर लिया गया 50,000 करोड़ तक की, बेनामी जो एसेट हैं 6,900 करोड़ के, और प्लस जो फॉरेन एसेट कंपनियाँ थी ये फॉरेन एसेट मतलब जे थे करीबन 1,600 करोड़ के, उनको भी अटैच कर लिया गया है। 3.5 लाख तो शेल कंपनी फर्जी कंपनियों को पकड़ लिया गया है और उनके डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। 18% की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई, ये जरूर याद रखिएगा 2017-18 में। ये है ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और जो है आपका ये काफ़ी सारे लोग इनकम टैक्स फाइल करने लगे हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप कह रहे हैं कि हम अभी इस समय कितनी है 2 समथिंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, अब हम बनेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी 5 सालों में, 5 बनेंगे 5 सालों में और 10 ट्रिलियन बनेंगे 8 सालों में, ये बात करी गई, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है जो हमको 2030 तक अचीव करनी है, मेंस के लिए बहुत जरूरी है, यूपीएससी मेंस हो चाहे आपका, चाहे यूपीपीसीएस मेंस हो चाहे बीपीएससी मेंस हो, ये जो 10 पॉइंट है इसको रट डालिएगा कि किन 10 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे फिजिकल और आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। और उसके लिए फिजिकल में मतलब क्या है, रेलवे पे इंप्रूवमेंट करेंगे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, इनलैंड आपका वाटरवेज। सोशल का मतलब क्या है, सबके पास घर होना चाहिए, ठीक है, और सबके हेल्थ में जो हेल्थ के लिए वो आयुष्मान आ गया, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, और प्लस ये आप कुल मिला के लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे। दूसरी डायमेंशन क्या है, डिजिटल इकोनॉमी को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे, ताकि ये पूरे जितने भी भारत में सब जगह पहुँच जाए, हर सेक्टर पे पहुँच जाए, इससे जो है वो करप्शन कम हो जाए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए, ये सब चीज़ें हैं, मिडिल मैन जो है वो कम हो जाए, ये सब चीज़ें हो गई। थर्ड है यहाँ पे क्या कि पॉल्यूशन फ्री बनाना है हमको नेशन को, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है आपकी, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और इसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी के व्हीकल को हम लोग और ज़्यादा प्रमोट करेंगे, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्लस ये सब चीज़ें यहाँ पे लाएंगे। उसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, ताकि जो है हमारे जो गांव हैं उन्हीं को स्मार्ट बना दिया जाए और वहीं पे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, लोग वहाँ से शहरों की तरफ मत मूव करें, शहरों में भी ना समस्या हो, गाँव में भी ना समस्या हो, ठीक है। वहाँ पे एमएसएमई, विलेज इंडस्ट्री और बहुत सारे स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा बहुत सारे सेक्टर्स के। उसके अलावा जो हमारी नदियां हैं उनको यहाँ पे क्लीन किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके लोगों को, और उस ये माइक्रो इरिगेशन जो टेक्निक है उनको यूज करेंगे। उसके अलावा देखिए जो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब कि वही सागरमाला प्रोजेक्ट, कोस्ट लाइन को और ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका ये स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, जो यहाँ पे सागरमाला का प्रोग्राम चल रहा है पोर्ट डेवलपमेंट का उसको बढ़ाएंगे, ताकि जो इनलैंड वाटरवे वाला है जो रूट उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जा सके, वहाँ से आपका जो इंडिया का डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें ये और ज़्यादा हो सके। तो ये ब्लू इकोनॉमी यहाँ पे हो गया पॉइंट। फिर आउटर स्काई मतलब ये है कि बाहर के स्काई में, बाहर के अगर आप आसमान में भी हम मतलब जैसे अगर आप देखें तो इसरो की जो आपकी कॉमर्शियल विंग है अंतरिक्ष, वहाँ उस वो किस चीज़ के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, लॉन्चिंग पैड के लिए, ठीक है। तो लॉन्चिंग पैड हम बनाएंगे अपना पूरी दुनिया के सैटेलाइट के लिए सबसे चीपेस्ट, और प्लस हम अपना एक इंडियन एस्ट्रोनॉट भी करेंगे अंतरिक्ष में गगनयान के थ्रू 2022 तक। उसके अलावा हमको इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है फूड में, और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, प्रिजर्वेशन यूज़ करेंगे, पैकेजिंग यूज़ करेंगे, मेंटेनेंस यूज़ करेंगे, नई नई चीज़ें यूज़ करेंगे, हेल्दी इंडिया बनाना है। और उसके लिए हमने आयुष्मान भारत ऑलरेडी कर दी है यहाँ पे लॉन्च, और उसके अलावा लास्ट है कि टीम इंडिया जो है हम लोग एक साथ वर्क करेंगे, जो भी गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशंस है प्रोएक्टिव अप्रोच रहेगी उनकी, रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी, ये हालांकि इस पे डाउट है काफ़ी, मेन चिक दो करप्शन हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और फिर उसके ऊपर नेता लोग सारे सब मिले हुए हैं जी। अच्छा ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए ये 10 जो डायमेंशन है इसको रट डालना, इनको रटने की ट्रिक क्या है कि आप ये बताइए डीपीआर और सीबी कितने शिफ्ट में है,
ठीक है, ऐसे देखिए इसमें क्या है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो शायद यहाँ पे समझ लें, डीपीआर मतलब होता है डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, और शिफ्ट वाइज उनको काम करना पड़ता है। सीबी से आप कुछ भी कर लीजिए, सीबी को आप बीसी भी कर सकते हैं कि आप वहाँ पे शिफ्ट में जाके बहुत बीसी करते हैं, जो भी आप समझें आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 10, अब ये 10 जो शब्द हैं क्या है, टीम इंडिया, हेल्थ, सेल्फ सफिशिएंट फूड, आउटर स्काई, ब्लू इकोनॉमी, क्लीन रिवर, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन फ्री, डिजिटल इंडिया, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रा। ठीक है, डी से क्या हो गया आपका, डी से हो गया डिजिटल इंडिया। ठीक है, पी से क्या हो गया आपका, पी से पॉल्यूशन फ्री, आर से रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी से क्या हो गया आपका, क्लीन रिवर हो गया आपका। ठीक है, सी से, और फिर आपका बी से क्या हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया, एस से क्या हो गया आपका, सेल्फ सफिशिएंट हो गया, एच से हो गया हेल्थ हो गया, आई से हो गया इंडिया यानी कि टीम इंडिया, एफ से क्या हो गया आपका, एफ से आपका हो गया यहां पे, नहीं यहां पे एफ से हो जाएगा फूड यानी कि सेल्फ सफिशिएंट इन फूड हो जाएगा, टी से हो जाएगा टीम इंडिया, आई से यहां पे क्या होगा, आई से आपका फिजिकल और सोशल इंफ्रा होगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, और स्काई जो है वो एस से हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, आप किसी भी तरह यहाँ पे ट्रिक बना लीजिएगा। मैंने एक एक वर्ड उठा के शुरू किया, मैं जनरली ऐसे करता हूँ कि ट्रिक बनाता हूँ, उसको एक शॉर्ट वर्ड याद कर लेता हूँ कि ताकि वो अगर आप लिख लो जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जो आप नोट्स हैं उसमें लिख के आप याद कर सकते हैं। फिजिकल, अब देखिए गवर्नमेंट का अभी तक क्या करती थी, फिजिकल कंसोलिडेशन का प्रोग्राम करती थी, अब ये है डेप्ट को भी, जो हमारा डेप्ट जो जीडीपी रेशियो है वो 45% से ज़्यादा है, अब उस पर भी फोकस किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली, फिस्कल डेफिसिट 2019-20 का 3.4% होगा जीडीपी का। ठीक है, और अगर ये हम लोग जो ये जैसे ये पीएम किसान योजना जो चालू करी है वो ना देते, और उसके लिए जो यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, तो फिर हमारा 3.1% हो जाता है, लेकिन आप कितना होगा, 3.4% होगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 24 लाख करोड़ से 27 लाख 84 हजार 200 करोड़ हो गया है 2019-20 में, 13% 13.3% का जंप है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये अगर आप रुपीज में बात करें तो कितना है, 3.26 लाख करोड़ का। ठीक है, नेशनल जो मिशन एजुकेशन के लिए है, यहाँ भी जो है एलोकेशन इंक्रीज किया गया है, 32 हजार करोड़ से करा गया है 38 हजार 572 करोड़, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आईसीडीएस वाली स्कीम के लिए 23,357 करोड़ से कर दिया गया है 27,584 करोड़। एससी के वेलफेयर के लिए भी है, अगर आप देखें प्रेजेंट ईयर में आपका कितना था पहले टारगेट, प्रेजेंट ईयर में आपका था 56 हजार करोड़ था, तो ऑलरेडी उसको बढ़ा के प्रेजेंट ईयर में भी 62 हजार करोड़ हो चुका है, और फिर नेक्स्ट ईयर में उससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, 76 हजार करोड़, 76,801 करोड़। और ये कितना है एससी के लिए, 35.6%। ठीक है, 35.6%। एसटी के लिए जो है वो 28% है, और अगली बार जो बढ़ के हो जाएगा 50 हजार करोड़ का, ये एससी एसटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट अगली साल का 80 हजार करोड़ रखा गया है, और 2017-18 में हमको कितना मिला है, 1 लाख करोड़ का। उसके अलावा ये हम जो टारगेट मैंने बताया आपको कि अब जो है वो गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेशन से डेब्ट कंसोलिडेशन की तरफ भी जाएगी, जो हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखें 2017 टर्म कितना है, 46.5% है, इसको रट लेना बिल्कुल, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हमको कितना करना है, 40% से नीचे लाना है। ठीक है, 2024-25 तक, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है वो आपका, डेब्ट टू जीडीपी सॉरी रेशियो है 46.5% है। ठीक है, और इसको हमको लाना कितना है, 40% से नीचे लाना है, कब तक, 2024-25 तक, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और जो फिस्कल डेफिसिट वाला है टारगेट, वो हमको 3% तक लाना है 2020-21 तक। उसके अलावा यहाँ पे जो है स्टैम्प ड्यूटीज में भी ये काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट पे अगर यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगाया जाएगा एक ट्रांजेक्शन पे, तो वो एक प्लेस पे ही कलेक्ट किया जाएगा, वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और उसको भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिफॉर्म है, मतलब सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट है यहाँ का, वो इन्होंने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको धन्यवाद दिया कि आपके टैक्स से ही हम जो स्कीम चलाते हैं, और प्लस इतने सारे लोगों को फ्री में कनेक्शन मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये सब कुछ इंडियन टैक्स पेयर की वजह से ही है, टैक्स पेयर को इसीलिए रिबेट दी गई है इस बार। अब जो है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इवन अगर आपने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिया तो फिर आपको 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, और प्लस इवन 2 लाख का होम लोन पे इंटरेस्ट अलग है, उस पे भी टैक्स मिलेगा, टैक्स आपको रिबेट मिलेगी, ये बात है इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा देखिए
ये जो फायदा कितने लोगों को करेगा, करीबन 3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्स पेयर को करेगा। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्मॉल बिजनेस अर्नर, सैलरी अर्नर हो गए, पेंशनर हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, सब कुछ। सैलरीड के लिए आपका यहाँ पे 40,000 से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को कर दिया गया है, ये भी 3 करोड़ सैलरी वाले लोगों को फायदा पहुँचाएगा। जो आपका एचआरए होता था उसके लिए लिमिट अगर आप देखें तो 1.8 से 2.4 लाख तक कर दी गई है। टीडीएस इस पे आपको नहीं देना पड़ेगा। प्लस जो आप बैंक से मान लीजिए आप इंटरेस्ट अर्न करते थे तो अभी तक 10,000 तक टैक्स देना पड़ता था, आप 40,000 तक नहीं देना पड़ेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। उसके अलावा भी है ये कि अगर आपके पास एक घर से ज़्यादा 2 घर हो गए तब भी कैपिटल गेंस टैक्स जो है आपका 2 करोड़ तक नहीं होगा बिल्कुल भी। और आपका जो ये लिमिट है ये कि हाउसिंग प्रोजेक्ट की उसमें जो सेक्शन 81 IBA है, ठीक है, इसमें इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल और के लिए। एक चीज़ और है, ये इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है जो मतलब अभी तक लोगों ने बना लिए थे बिल्डर्स ने, उनको 1-2 साल के अंदर अभी अभी हैं तो ये यहाँ पे जो है इनको एग्जेम्पशन दिया गया है, टैक्स नहीं लगेगा नोशनल रेंट पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे घर पे भी जैसे अभी तक जो था ये आपका ये वाला ये पॉइंट छूट गया, इनकम टैक्स जो है नोशनल रेंट पे अब जो है आपका अगर एक से ज़्यादा आप जो है देखिए अभी तक ये होता था एक से ज़्यादा अगर आपके पास घर हैं तो आपको उसकी जो आय से मतलब उस पे आपको जो है इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब नहीं देना पड़ेगा। कुल मिला के ये बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब आप ही के होने चाहिए दोनों। तो ये हो गई टोटल इंपॉर्टेंट जो स्पीच की समरी, आप देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट जो एग्जाम में और आ सकते हैं। देखिए ये डेफिसिट डेफिसिट के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसको नहीं बताऊंगा। टोटल रिसोर्सेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आया है एक चीज कि जो स्टेट को अब शेयर करेगा सेंटर, ग्रांट लोन और ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम के ये तौर पे, अब वो कितना होगा 2019-20 में 13,70,620 करोड़, और इसमें 1,24,000 करोड़ का जंप है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा 19 लाख करोड़ 2019-20 में, ठीक है, और कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा 8 लाख करोड़, और टोटल हम लोग को एस्टिमेट कितना मिलेगा रिसिप्ट 27,84,000 करोड़, उतना ही हमको एक्सपेंडिचर भी करना है, ठीक है। अब ये देखिए रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इसका हम लोग ग्राफ से स्टडी करेंगे अभी। 2019-20 का कितना रहना चाहिए रिवेन्यू डेफिसिट 2.2%, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.3%, फिस्कल डेफिसिट 3.4%, करंट अकाउंट डेफिसिट याद रखिएगा 2.5% था, और जो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है 0.2%। रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, मतलब ये कहाँ कहाँ से हमको पैसा मिलता है बजट के लिए, बजट अब घर में भी आप बजट बनाते हैं तो आपको पता है ना, आप जोड़ते हैं कि आपकी सैलरी आ जाएगी प्लस किसी से कोई आपको दे जाएगा पैसे, या फिर मम्मी दे देंगे, पापा दे देंगे, जो भी है, और फिर आपको कितना खर्चा करना है, गैस लानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, वही सब यहाँ भी है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है आपका कॉरपोरेशन टैक्स से 21% और आपका जीएसटी से 21%, ये दोनों ही नंबर वन पे हैं। देखिए 21-21% आ रहा है। नंबर टू पे है जो पैसा कहाँ से आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है, उधार और अन्य दे देता है ये, और नंबर थ्री पे है इनकम टैक्स आ गया है, तो ये जरूर रट लीजिएगा। और नंबर थ्री पे आपका ये हो गया, और प्लस नंबर फोर पे आपको कौन सा हो गया, नॉन टैक्स रिवेन्यू वाला हो गया, नंबर फाइव पे हो गया आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और नंबर सिक्स पे हो गया कस्टम, और नंबर सेवन पे हो गया आपका नॉन पेड डेप, ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। पैसा जाता कहाँ कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे आप खर्चा करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होता है, स्टेट के शेयर जो देना पड़ता है टैक्स और ड्यूटीज का 23%। नंबर टू पे इंटरेस्ट पेमेंट आपका हो गया, नंबर थ्री पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, नंबर फोर पे आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सब्सिडी हो गई, ये दोनों नंबर फोर पे हो गई, नंबर फाइव पे अदर एक्सपेंडिचर, डिफेंस और आपका फाइनेंस कमीशन वाला, और नंबर सिक्स पे आपका पेंशन हो गया। तो रुपया आता कहाँ है जाता कहाँ है देख लिया। अब कुछ पीआईबी के मैप देख लेते हैं। जनरली तो पीआईबी में वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी तक आपको बता दी कंप्लीट, क्योंकि हमको करनी थी। सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, इस बार बजट किसने पेश किया है, पीयूष गोयल ने, ठीक है। क्या क्या बातें कही गई हैं, 12 करोड़ जो स्मॉल और मार्जिनल, स्मॉल और मार्जिनल क्या होता है जल्दी से बताइए, अभी मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट मिलेगा 6,000 का, ठीक है, पीएम किसान योजना। उसके अलावा 10 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड लोग हैं उनको जरूर मिलेगा, पीएम जो है आपका श्रम, कौन सी वो स्कीम थी अभी बताइए जल्दी से नाम, अभी अभी मैंने बताई थी, नहीं याद आ रहा है।
और उसके अलावा जो है 5 लाख तक कोई लिमिट आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रिफॉर्म हुआ है स्टैम्प ड्यूटी में, 3 करोड़ बजट पहली बार किया गया इस ये डिफेंस को। नया एम्स खोला जाएगा 22वां आपका हरियाणा में, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है इंडियन फिल्म मेकर्स को मिलेगा फॉरेनर्स के बराबर। सेपरेट डिपार्टमेंट खोला जा रहा है फिशरीज का, 1.5 करोड़ फिशरमैन को यहाँ पे लाभ मिलेगा। पीएम किसान योजना अभी मैंने बताया 6,000 रुपये दिया जाएगा, 75,000 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है, पिछले साल का 20,000 करोड़ का है, 1 दिसंबर 2018 से लागू है। जरूर याद रखिएगा 2 हेक्टेयर से कम अगर आपके पास ज़मीन है, स्मॉल प्लस मार्जिनल फार्मर इसमें बेनिफिट होंगे। ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। और उस यही चीज़ें देखिए यहाँ पे ग्राफ में बताई गई है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट रहेगा आपका 1 दिसंबर से, यहाँ पे ये इफेक्टिव है, जरूर याद रखिएगा। 75,000 करोड़ जो है इस बार के लिए किया गया, 3 बार में मतलब 2,000 रुपये दिए जाएंगे, हालांकि कम है ये, लेकिन चलिए कुछ चालू हुआ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कुछ तो चालू हुआ किसानों के लिए। 20,000 करोड़ रुपया 2018-19 के लिए है। अब देखिए हर चीज़ में ना कुछ लोग बुराई निकालते हैं, जो चीज़ अच्छी करे उसमें अप्रिशिएशन करना चाहिए। सरकार का ये वन ऑफ द बेस्ट बजट है, ये मतलब तारीफ के काबिल है बिल्कुल। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और करीबन यहाँ पे जो है आपका फिशरीज में इंडिया में इंडिया नंबर 2 पे फिश प्रोडक्शन में है। 7% जो लोगों को यहाँ पे आपको यहाँ पे ये 1.45 करोड़ लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है, या जरूर याद रखिएगा। 2% इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा जो आपके एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज की एक्टिविटी के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे, और अगर आपने टाइमली रिपेमेंट कर दिया तो 3% और आपका माफ कर दिया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई, तो अभी तक क्या होता था, एक बार केवल आपका इंटरेस्ट माफ होता था, लेकिन अब 2% इंटायर पीरियड के लिए होगा और 3% और होगा आपका इंसेंटिव के तौर पे रीशेड्यूल करने के लिए, ठीक है। तो ये है इंटरेस्ट, ये मतलब अगर आपने प्रॉम्प्ट ये जल्दी जल्दी देते रहे टाइमली, तो आपको 3% और मिल जाएगा, वही बात है। 750 करोड़ रुपए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग लगाया जाएगा, ताकि जो है आप जिनेटिक जितना भी अपग्रेडेशन हो सके, काउ रिसोर्सेज का इफेक्टिव लॉज को यहाँ पे आपका ये किया जा सके गाय के विकास के लिए। तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, वेलफेयर किया जा सके गाय का। हाँ, ये वाली स्कीम ये थी प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, कम से कम 10 करोड़ लेबरर्स को यहाँ पे लाभ मिलेगा। 500 करोड़ का प्रोविजन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। 29 साल में ज्वाइन करते हैं तो 100 रुपये देना पड़ेगा पर मंथ 60 साल तक, 18 साल में ज्वाइन करते हैं तो 55 रुपये देना पड़ेगा 60 साल तक, 60 साल के बाद कम से कम 3,000 रुपये मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मिलेगा। जितना आप दोगे उतना ही सरकार भी देगी, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। टैक्स बेनिफिट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 लाख हो चुकी लिमिट और 6.5 लाख तक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। खैर बस हम लोग वो मैप देख लेते हैं। अच्छा, ये एग्जेम्पशन हो गया है अब आपका, दूसरा अगर आपका हाउस है तो ठीक है, अभी तक तो है वो इनकम टैक्स लगता था, एक से ज़्यादा अगर आपके हाउस थे, और अब जो है उस पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया आपको टैक्स कलेक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, 6.3 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़, ये रट लेना बिल्कुल। नंबर ऑफ रिटर्न कितने फाइल हुए हैं, 3.79 करोड़ से आपके 6.85 करोड़ हुए हैं, बहुत बहुत जरूरी है ये, ठीक है। उसके अलावा एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 10% से रिड्यूस करके 4.76% ला दिया गया है पिछले 5 सालों में। और फिर ये है आपका, ये एक बड़ा अच्छा कोट है अगर आप इसको यूज़ कर सकें, QUOT वाला कोट, मेंस और एसे के राइटिंग के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है, हिडन और अनफेयर टैक्स होता है गरीब लोगों पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इन्फ्लेशन को ही तोड़ दिया, 4.6% पे आए हैं। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हालांकि हम नहीं अचीव कर पाए हैं, 3.4% रहेगा। CAD आपका रहेगा 2.5%, और बड़े बड़े जो रिफॉर्म है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, ग्रोथ, GST हो गया प्लस अलग हो गए, हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, FDI हमारे पास 239 बिलियन का आ चुका है, मगनरेगा 60,000 करोड़ इस बार एलोकेट किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका एलोकेशन यहाँ पे 19,000 करोड़ का किया गया है, और यहाँ पे जो अब देखें अगर आप, तो सारे मार्च 2019 तक सारे घरों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, 143 करोड़ LED बल्ब यहाँ पे स्थापित किए गए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर प्रोग्राम भी चालू किया गया है, और इसमें 10 लाख लोग बेनिफिट भी ले चुके हैं, 3,000 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा भी किया जा चुका है। तो ये सब चीज़ें हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये, 10 लाख पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में अफोर्डेबल और सस्ती मेडिसिन मिलेगी, 22वां एम्स आएगा हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद देखिए ICDS का जो है आपका अलॉटमेंट,
वो बढ़ गया है 27,584 करोड़, 23,000 से लेके। और ये एससी एसटी वेलफेयर के लिए देखिए कितना है, एससी का जो है परसेंटेज 35% बढ़ाया है, एसटी का 28% बढ़ाया है। एससी का कितना अब होगा खर्चा वेलफेयर के लिए 76,000 और एसटी का 50,000 करोड़। हालांकि यहाँ पे कुछ वेलफेयर जो इकोनॉमिकली वीकर क्लास हैं उनका भी यहाँ पे वेलफेयर के लिए कुछ फंड होना चाहिए था, 10% वाला जो है वो रिजर्वेशन तो कर दिया लेकिन ये वाले के बराबर नहीं रखा, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे कमी रह गई। देखते हैं आगे करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। वैसे वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा किस के लिए, जो डी नोटिफाइड और नोमेडिक और सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज हैं उनके लिए। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। एक कमेटी बनाई जाएगी नीति आयोग के अंडर में ताकि जितने बचे खुचे हैं डी नोटिफाइड उनको आपका नोटिफाई करके उनके वेलफेयर के लिए काम करा जाएगा, वही बताया गया है। तो वेलफेयर डेवलपमेंट जो बोर्ड है किस मिनिस्ट्री के अंडर बनाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, कोई चीज़ बची तो नहीं है, अभी कुछ नहीं बचेगा, जो है सब निचोड़ दिया है बिल्कुल। 8 करोड़ का टारगेट था उज्ज्वला में, 6 करोड़ दे चुके हैं। आप बस इसको एक बार पढ़ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, 70% ज़्यादा जो मुद्रा का लोन है इधर ही गया है, 6 करोड़ बांट दिए गए हैं, मैटरनिटी लीव मिली है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना करी गई थी। उसके अलावा देखिए नेशनल प्रोग्राम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बनाया जाएगा और उसके लिए नेशनल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। डीआईपीपी का नाम क्या रख दिया गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वजह से सेविंग 25% हुई है, 17,000 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है। कंट्री का डिफेंस बजट पहली बार 3,00,000 करोड़ से ज़्यादा बनाया गया है। नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट जो है 100 हो गए हैं। सिक्किम में जो खोला गया था उसका नाम बताइए जल्दी से। डोमेस्टिक जो पैसेंजर ट्रैफिक डबल हो गया है पिछले 5 सालों में। इंडिया फास्टेस्ट हाईवे डेवलपर बन गया है, 27 किलोमीटर पर डे बना रहा है। और कंटेनर फ्राइट मूवमेंट चालू हो गया इनलैंड वाटरवेज में, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है जरूर याद रखिएगा। बताइए इसका रूट क्या था, अभी मैंने बताया था कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कोलकाता तक कहाँ से जा रहा है। उसके अलावा जो रेलवे का है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है 64,000 करोड़, ओवरऑल कितना है 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग रेशियो मैंने बताया था आपको, 100 पैसा अगर मान लीजिए कमाना होता है तो कितना पैसा खर्च करना होता है वो होता है ऑपरेटिंग रेशियो, तो अब हमको कम करना है उसको। और रेलवे के लिए ये सब है जो सेफेस्ट ईयर है, ये जितनी भी अनमैंड लेवल क्रॉसिंग थी ब्रॉड पे ब्रॉड गेज नेटवर्क से हटा दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18 चालू कर दी गई है। रेलवे बजट का अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये 18-19 में इतना है और इसको और ज़्यादा यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, बजटरी एस्टिमेट है, रिवाइज एस्टिमेट में हालांकि 96.2% निकला और इसको अब 95% तक करना है। रेलवे अर्निंग में अगर आप देखें तो पैसेंजर से कम अर्निंग आती है, फ्रेट से ज़्यादा आती है। ठीक है, 56,000 करोड़ पैसेंजर से और फ्रेट से आती है 1,43,000 करोड़। तो इसीलिए पैसेंजर के जो हैं वो जो बार बार जो हैं कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर जनरेशन कैपेसिटी 10 गुना से ज़्यादा हो चुकी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने स्थापित किया है, गुड़गांव में उसका आपका सेंटर भी है, ये हेडक्वार्टर है। फिल्म मेकर्स के लिए भी जो है रेगुलेटरी प्रोविजन को और ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। जैसे आप अटेस्ट करवाते थे ना अभी तक, जैसे सर्टिफिकेट में मतलब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जैसे नहीं आपको जाना पड़ता था गजेटेड ऑफिसर के लिए, अब आप सेल्फ डिक्लेयर लिख देते हैं सेल्फ अटेस्टेड, वैसे यहाँ भी होगा सेल्फ डिक्लेयर। सिंगल विंडो क्लियरेंस को जो है वो जो फिल्म शूटिंग करने के लिए अभी तक फॉरनर्स को अवेलेबल था, अब इनको भी हो जाएगा इंडियन फिल्म मेकर्स को। और ये सब मैं बता चुका हूँ अभी आपको। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमको 5 साल में, 8 साल में 10 ट्रिलियन, 18% का जो है वो डायरेक्ट कलेक्शन में हुआ है ये आपका इंक्रीज। ये है बजट एट ग्लांस। ठीक है, रिसिप्ट हमको कितनी मिलेगी ये है टोटल, अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। ये एस्टिमेट है हमारा, अभी हमने देखा था 19,00,000 करोड़ समथिंग, ये 8,00,000 करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है मेरा, 24,00,000 करोड़ रिवेन्यू पे है, मतलब पूरा ये फालतू का खर्चा है। कैपिटल पे बड़ा कम है, सिर्फ 3,50,000 करोड़ है, 3.36 लाख, जबकि ये ज़्यादा होना चाहिए। जब तक कैपिटल पे हम लोग खर्चा नहीं करेंगे तब तक जो है डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लस ये सब चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। रिवेन्यू का मतलब तो ये है कि अगर आपने कोई आपके पास मशीनें हैं, लोगों को सैलरी देनी है, उस पे खर्चा हो रहा है पैसा। वन रैंक वन पेंशन कर दिया है, 7th पे कमीशन कर दिया है, इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। कैपिटल एसेट नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली ये एक बड़ा समस्या है यहाँ पे। डेफिसिट ट्रेंड अगर आप देखें तो देखिए फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका 2017 से यहाँ पे बताया गया है 3.5 था आपका एक्चुअल,
और 2018-19 में बजट एस्टिमेट लगाया गया 3.3, लेकिन ये कितने पे रह गया, 3.4 पे, और 2019-20 में भी कह रहे हैं 3.4 पे ही रखेंगे, हम नहीं कम करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट भी अगर आप देखें तो 2.6% था, 2.2% कॉन्स्टेंट हो गया है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% था, ये 1.2, फिर 1.1, ये 1.3। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 0.2 पे रह गया है, ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। अभी तक हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते थे, फिस्कल डेफिसिट को रिमूव कम करना, अब हम लोग डेब्ट कंसोलिडेशन की बात करेंगे। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है हमारा इंडिया का 46.5% था, अब इसको 40% से कम लाना है, कब तक लाना है ये भी जरूर याद रखेंगे, 2024-25 तक। ठीक, बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ, फार्मर्स के लिए ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन खोला जाएगा 750 करोड़ का, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, और नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा फिशरीज के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ये डिजास्टर के टाइम पे 2% का, पूरे मतलब जब तक जो है लोन का पीरियड है उसमें पूरे में, और जो 2% यहाँ पे है आपका इंटरेस्ट मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए, और जो लोग टाइमली पेमेंट करेंगे उनको 3%, और लेबर के लिए मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। 22वां आएगा, और डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल भी बता दिया है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और बस यही सब चीज़ें पीआईबी में बार बार लिखी हैं, ये वाली मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ आपको, इसको रट लीजिएगा एक बार, ठीक है, बस इतना है ये। ठीक है, पहला जो हक है रिसोर्सेज पे वो गरीबों का है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है एलोकेशन बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश पहली बार एयर मैप पे आ गया है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम पहली बार रेलवे मैप पे आ गए हैं। ठीक है, कंटेनर जो कार्गो मूवमेंट है ये आपका हो गया स्टार्ट, और जो नेविगेशन कैपेसिटी है ब्रह्मपुत्र के उसके अराउंड में। वल्नरेबल सेक्शन के लिए भी मैंने बताया आपको, अब एक कमेटी बनाई जाएगी नीति आयोग के अंडर में, जो कि नए नए लोगों को जो बचे हुए हैं उनको आपको नोटिफाई करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर में। तो ये सब चीज़ें हैं आपका, और वही सब चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं होगी, जितनी मैंने बता दी जो स्पीच में था वही था एक्चुअली सब कुछ। ठीक है, ये तीनों पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप इसमें कर लीजिएगा, और ये है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर कोई जिसने ये पूरा ठीक से सुना हो, पूरा एक पॉइंट वाइज अगर मुझे समरी लिख के बता दे तो मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, ताकि काफ़ी लोग देख सकें। ऑल द बेस्ट है सबको, मेरे हिसाब से तो मैंने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया है, फिर भी अगर आपको लगे तो ज़रूर बता दीजिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं हुई है एक भी चीज़, ठीक है। जो ये सब चीज़ें हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसे दोबारा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ये देखिए सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये अभी मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक भी चीज़ नहीं छूटी है एक भी। ये जो है ये पूरा आपका वही, अभी मैंने आपको ग्राफी दिखा दिया था उसका पूरा, ठीक है। ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारी चीज़ें बताई गई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ पे, कि आप लोग यहाँ पे एक काम ये करिएगा, जो मेंस जिसको देना है उसके लिए ना, ये आप सेक्टर वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, करप्शन के लिए क्या हो रहा है, गरीबी के लिए क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये जो पीआईबी वाली पीडीएफ है। तो ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और कोई अगर समराइज करके दे दे तो बड़ा अच्छा रहेगा।